सरकार गिराने की साजिश पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने रांची में न्यूज 11 भारत से कहा कि 2005 और 2009 जैसी स्थिति अब नहीं है। अब हमारी सरकार पूरे तरीके से इंटैक्ट है और मजबूत है। कई लोग इस लोकप्रिय सरकार को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए बीच बीच में ऐसी ताकतें सरकार गिराने की साजिश रचती रहती है, लेकिन झारखंड में वो कामयाब नहीं होने वाले हैं। जो भी साजिश करता है जल्द ही उनके चेहरे लोगों के सामने होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस मामले को लेकर गंभीर हैं। राजनीति की क्षति पर क्षति जो 2000, 2005, 2009 में जो होता था वो स्थिति नहीं है। गठबंधन की सरकार है, मजबूत सरकार है, तो कोई चाहे कि तोड़ दें, हवा में गिरा दें, संभव नहीं है। ये राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है गरीबों के हित में, किसानों के हित में, मजदूर के हित में। तो कोई कितना ही दिमाग लगाएगा यहाँ सरकार गिराने के लिए, सरकार गिरेगा नहीं। सब यहाँ पर गठबंधन एकजुट है और मजबूती के साथ है, और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। उससे कोई काम नहीं है, खाली दिमाग है, दिमाग वो लगाते रहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ, अन्य राज्यों में होता है, इनको कर्नाटक में हुआ, तो लोग यहाँ भी चाहते हैं कि उपयोग करें। लेकिन अब झारखंड की जनता भली भांति जानती है, यहाँ सभी लोग जागरूक भी हैं और जनता ने मैंडेट दिया है, इसलिए हम यहाँ तोड़ जोड़ कर आने थे झारखंड में नहीं चलेंगे। झारखंड में रहने की लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।